आफताब ने जब श्रद्धा का कत्ल किया उसके बाद राशिद खान नाम के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो गया, जहां पर वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि 35 क्या 36 टुकड़े कर सकते हैं आदमी का जब दिमाग खराब हो जाता है। 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो जब आदमी जब थोड़ा व्यथा होता है दिमाग खराब होता है 35 क्या 36 भी कर देता है। 35 क्या 36 भी कर देता है आदमी का मुंह ज्यादा ओवर खराब था तो मार देंगे। 35 क्या 36 टुकड़े भी कर देता है आदमी। कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? सीधी है चाकू लो बजाए चले जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है कहते हाँ आज मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कहते थोड़ी यार दोस्ती में थोड़ी रहने वाले बुलंदशहर का। बुलंदशहर का नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के? तो थोड़ी कोई मारेगा जबरदस्ती थोड़ी मारेगा, जब मैं कितनी लड़ाई वाड़ाई होगी जब तो मारूंगा मैं भी। आपने सही किया श्रद्धा को, गलती होगी सही करा होगा 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है 35 कर दूंगे होंगे। कैसा लगा ये सुन के, कैसा लग रहा है कि किसी के 35 टुकड़े किए? गलती होगी दोनों की और क्या। अच्छा, दोनों की गलती है जिसने मारा तो जिंदा है एक तो चली गई। कोई ना एक तो चली गई वो भी चला जाएगा जो जिंदा उसे भी साल दो साल में। सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा इसके बाद इसे कमिनल एंगल दिया गया, कई तरह की बातें निकल कर आई, लेकिन अब इस वीडियो को लेकर एक नई सच्चाई सामने आई है जो हैरान कर सकती है, और वो सच्चाई ये है कि इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि ये शख्स राशिद खान नहीं बल्कि विकास कुमार है। जी हाँ, राशिद को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बुलंदशहर से इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब इनके सुर बदल गए हैं। इसका कहना है कि एक टॉक शो के दौरान जब लोगों ने मुझसे पूछा तो फिर मैं अगल बगल हंस रहे लोगों को देखकर उत्साहित हो गया और उस उत्साह में बह गया, जिसके बाद मैंने ये कह दिया ये जनाब जो है ये दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली मजदूरी करते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में लिए गए हैं और इनका ये भी कहना है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं आफताब को मारू पीटूंगा, वहां जाकर आफताब ने जो किया गलत है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, सिर्फ अति उत्साह में मैंने वहां पर कह दिया था। हमें लगा कि इस घटना को धार्मिक एंगल बहुत ज्यादा दिया गया था, इस घटना को लेकर मुसलमानों को टारगेट बहुत किया गया था जो गलत है।